भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मंच पर लगे बैनर से पीएम मोदी का फोटो गायब होने से राजनीति अब शुरू हो गई है। जी हां, इस कार्यक्रम में मंत्री प्रभुराम चौधरी और महापौर आलोक शर्मा भी पहुंचे थे, जहां आलोक शर्मा ने मंच पर पीएम मोदी के फोटो गायब होने पर आपत्ति दर्ज करवाई। आलोक शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने योग को आगे बढ़ाया, ऐसे में बैनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो होना चाहिए था। अब इस मामले पर मुख्यमंत्री कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। तो वहीं इस मामले पर मंत्री प्रभुराम चौधरी का भी बयान सामने आया। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि वो फोटो की राजनीति नहीं करते और इस मामले पर अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। तो योग दिवस पर अब सियासत नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि योग दिवस के इस खास मौके पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में योग का खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन फोटो नदारद नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है आज, यहाँ मंच पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, मुझे लगता है महापौर के नाते उनका भी फोटो होना चाहिए। मैं भोपाल शहर का महापौर हूँ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई है, मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई परिषद का महापौर हूँ, जब भी मध्य प्रदेश या भोपाल में कोई हमारा कार्यक्रम होता है, हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का फोटो लगाते हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फोटो आपने क्यों नहीं लगाया। इस बात का जवाब भोपाल के महापौर को तो जरूर उनको देना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, मैं तो कोई फोटो की राजनीति करता नहीं हूँ, और मैंने ना कोई, मुझे जानकारी है कि किसका लगना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम देखते हैं, प्रधानमंत्री आगे ध्यान रखेंगे। अगर प्रधानमंत्री का फोटो लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, लगना चाहिए तो आगे ध्यान रखा जाएगा। तो बैनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो गायब होने के मामले पर शिवराज सिंह चौहान का भी बयान अब सामने आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं बल्कि देश के होते हैं, ऐसे में पीएम मोदी का फोटो गायब होना गलत है। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो होना जरूरी था। क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। हम योग के कार्यक्रम में किसी राजनीति को स्थान देना उचित नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के हैं, वो वैश्विक नेता हैं, और उनकी पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दी है। और ये संकीर्ण राजनीति छोड़कर मोदी जी का चित्र वहाँ होना चाहिए, अब उनका चित्र जन जन के मन में है। अगर यहाँ की सरकार योग के कार्यक्रम में ना भी लगाए तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस सरकार का ही बिगड़ेगा। तो क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह आपने सुना। और सीधे रुक कर रहे हैं भोपाल का, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज योग दिवस के इस खास मौके पर भी सियासत देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो वहां पर नहीं होना, तस्वीर वहां पर नहीं होना, उसके बाद जो मेयर हैं आलोक शर्मा वो सवाल उठाते हैं, प्रभुराम चौधरी कहते हैं कि हम फोटो की राजनीति नहीं करते हैं, उसके बाद बयान आ जाता है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, यानी सियासत अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सायरा, देखिए योग का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमेशा से भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होता आया है, अमूमन इसमें जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो वो शामिल हुआ करते थे, लेकिन इस बार ना तो सीएम शामिल हुए हैं, और इससे भी बड़ा विवाद शुरू हुआ जब मंच पर लगाए गए योग दिवस के बड़े से बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नदारद थी, और उसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी और आलोक शर्मा के बयान हमने सुने हैं। लेकिन ये दरअसल इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ तब शुरू हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ये कहा कि अगर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगाई जाती है तो उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आएगी, जो नुकसान होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार को होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के लीडर और भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान साहब हैं। जरा हम इनसे सीधी बात करते हैं कि दरअसल योग पर सियासत क्यों। सर, क्या बात है, लगातार हम देख रहे हैं कि योग दिवस मना, योग के बजाय सियासत की बात हो रही है। देखिए, योग में राजनीति नहीं आना चाहिए, और मैं समझता हूँ योग जो है देश के प्राण है, और ये कोई प्राणों की बात मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, भगवान प्रभु राम के समय से
ये मैं समझता हूँ योग का महत्व लगातार हम देखते हुए आ रहे हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, उन्होंने भी योग का अपना महत्व बताया है, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरी दुनिया को ये बता दिया, केवल भारत देश में नहीं पूरी दुनिया इसका अनुसरण कर रही है, विश्व योग दिवस किस तरीके से और इसके साथ पूरे वर्ष भर योग के कार्यक्रम होते हैं। सर एक बात बताइए, लेकिन आपकी पार्टी के तो मेयर हैं, वो उस प्रोग्राम में मौजूद थे, तो प्रोग्राम के पहले क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दे दिया इस पर, ये ध्यान दिला दिया कि पीएम की फोटो होनी चाहिए, वो तो उसमें शामिल थे। देखिए हमारे मेयर हों चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हों, सभी तो योग कर रहे हैं, हम तो बात उनकी कर रहे हैं जो योग नहीं कर रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हों, मैं समझता हूँ आज वो योग के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए हैं, और इसी प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगाया जाना ये भी घोर आपत्तिजनक है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन उनका फोटो नहीं लगाया गया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कमलनाथ जी स्वयं मौजूद नहीं थे, ये एक विषय है। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता का मैं समझता हूँ योग के माध्यम से उनको सुख मिले, निरोगी काया रहे, स्वस्थ रहे, इस दिशा में कमलनाथ जी ने कोई प्रयास नहीं किया। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष और बीजेपी के लीडर हैं सुरजीत सिंह चौहान साहब, वो लगातार ये कह रहे हैं कि योग दिवस के मौके पर अगर पीएम की तस्वीर नहीं लगाई गई है वो ठीक नहीं है, दूसरा मुख्यमंत्री कमलनाथ योग करने नहीं पहुंचे हैं वो ठीक नहीं है। जाहिर तौर पर बीजेपी ने इन दोनों ही मुद्दों पर आपत्ति जताई है। बिल्कुल, दो मामले अब आ गए हैं सामने, एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद योग का समर्थन नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ और इसलिए वो नदारद रहे, नजर नहीं आए हैं और तस्वीर नजर नहीं आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन नीरज क्या ये जरूरी हो जाता है हर इस तरह के खास मौके पर सियासत क्यों की जाती है, इसकी जरूरत नहीं है नीरज? आप बिल्कुल, इसका जवाब भी हम सुरजीत जी से लेंगे कि दरअसल योग जैसे मौके पर भी दरअसल ये हो क्यों रहा है, सर ये क्यों हो रहा है योग जैसा मौका, तो कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, फिर इस पर सियासत क्यों शुरू हुई? देखिए योग को जिस तरीके से मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, और मैं तो सभी मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि देश के अंदर पूरे प्रदेशों के अंदर गली गली तक मोहल्ले मोहल्ले तक योग का महत्व मीडिया के माध्यम से दिखाया गया है, और मैं समझता हूँ ये कोई गलत नहीं है, लेकिन इसी बात से चिढ़कर कांग्रेस ही शायद ये समझ बैठे कि ये शायद भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जबकि योग जो है एजेंडा स्वस्थ रहने का एजेंडा है। मैं समझता हूँ कि केवल इस वजह से चिढ़ना कि भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को आगे बढ़ाया कि योग का महत्व क्या है, आदमी कैसे निरोगी रह सकता है, केवल इस बात से चिढ़कर उन्होंने जिस तरीके से बात की है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत पहले कह दिया था, तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाजपा या कांग्रेस, लेकिन उनकी बात ही कम से कम मान लेते यदि कांग्रेस ही, तो ही मैं समझता हूँ, और कम से कम नहीं तो जिस प्रकार की लड़ाई झगड़े मानसिकता कांग्रेस की हो रही है कि कैबिनेट की बैठक में झगड़े हो रहे हैं, मैं समझता हूँ योग यदि केवल कैबिनेट भी कर लें तो वो ही कम से कम ठीक हो जाएंगे, मानसिक रूप से ठीक हो जाएंगे। यहाँ सुरजीत जी, हाँ। कमलनाथ कैबिनेट पर तंज कस रहे हैं, जो कैबिनेट में लड़ाई की खबरें आई थी, तकरार की खबरें आई थी, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम कैबिनेट योग कर ले तो शायद जो है लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। जाहिर तौर पर इस मौके पर जब राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में पीएम मोदी की तस्वीर नहीं थी तो बीजेपी इस मुद्दे पर कमलनाथ सरकार को घेरने में कहीं पीछे नहीं है और एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। और अभी सुरजीत जी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि कैबिनेट में अगर सारे मंत्री योग कर ले तो शायद जो तकरार की खबरें आ रही हैं वो रुक जाएगी, तो आप समझ सकते हैं अब कोई पक्ष बचा नहीं है इस मामले का। शायद बहुत शुक्रिया नीरज, लेकिन प्रभुराम चौधरी ने कहा कि हम तस्वीरों की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन आज के दिन भी इस तरह की सियासत होना वाकई निराश करता है। तो भोपाल में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची, जबकि मुख्यमंत्री कमलनाथ योग कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उन्होंने शिरकत नहीं की, जिस पर आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सबका अपना अपना तरीका है, सीएम योग करें या फिर ना करें लेकिन जनता योग कर रही है। वहीं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया गया है। ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग किया है, तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी योग करती हुई नजर आई हैं और इस मौके पर चुटकी भी ली उन्होंने कहीं ना कहीं। हालांकि संवैधानिक पद है, कहा जाता है इस पद पर जो होता है वो किसी के पक्ष में नहीं बोलता है, लेकिन हमने देखा है पहले भी इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की बातें जो है वो सामने आई हैं। उन्होंने कहा, आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सबका अपना अपना तरीका है, मुख्यमंत्री योग करें या फिर ना करें लेकिन जनता योग कर रही है। और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
योग करते हुए, और योग के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में योग पर सियासत भी खूब नजर आ रही है। आज मैंने देखा महाराष्ट्र में फडणवीस योग गुरु बाबा, महाराष्ट्र में योग गुरु बाबा के साथ योग करते थे। ऐसा नहीं, हम गुजरात में थे तब भी सबके साथ मिलकर योग करते थे। तो अपना अपना तरीका है भाई, लेकिन लोग तो करते हैं ना, लोग तो करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री करे या न करे, लेकिन पब्लिक तो जुड़ गई है। हमारे से भी आगे पब्लिक है, और इसीलिए जो जनता जुड़ जाती है तो पीछे से भी उसको जुड़ना ही पड़ता है। योग को वो हिंदुत्व या संकीर्ण न माने, भला ये भी कोई बात हुई? जिस योग से हम अपने बच्चों को, राज्य के बच्चों को, हम अपनी जनता को स्वस्थ रहने का संदेश दे सकते थे, प्रेरणा दे सकते थे, क्योंकि राज्य के मुखिया का काम केवल शासन प्रशासन का संचालन करना नहीं है, दिशा देना भी है। उन्होंने नहीं करके, मैं ये कहूँगा कि चूक की है, संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है, ये नहीं होना चाहिए।